अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम दो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती क्या है। तो डिफाइन कर लेते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखिए जनाब, जहां तक बात है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग ऑन कमर्शियल स्केल, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन राइट करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री दैट डील्स विद That deals with the manufacturing of compounds on commercial scale. इसको हम कहते हैं, it is called the इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो होप सो के इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि जो आपको मुश्किल लगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कि एक वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें कि हम किसी एक कंपाउंड किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल के ऊपर, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड या प्रोडक्ट दो या तीन या चार लोगों के लिए, एक फैमिली के लिए नहीं बल्कि हजारों फैमिलीज के लिए बनाएंगे। ठीक है, इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। और इसके तहत हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो कि हम डेवलप करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियली पावर रेस्पिरेशन को कैरी करने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो है इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां पर अवेलेबल हो। इस तरीके से हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और आप जानते हैं कि अमोनिया बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो है एक केमिकल है जो कि बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और इस तरह की बहुत बेतहाशा चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल नॉर्मली लाइफ में करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की तौर पर, ठीक है, या डायरेक्टली तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और वो किस जो है नॉलेज के मरहूम में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हथियाने के वजह से हमारे सामने है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जरा देखिएगा। वी हैव फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाती है। इस तरीके से टेक्सटाइल है, आप जानते हैं कि टेक्सटाइल के थ्रू जो है आप लोग क्लॉथ बनाते हैं, जैसे कपड़े बनाते हैं, ठीक है, उसको डेवलप करते हैं और फिर उसको आप आगे सेल आउट करते हैं, ठीक है, अपने लिए प्रॉफिट कमाते हैं, ये चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चर के अंदर बेसिक तौर पर नॉर्मली जो है जो हम देखते हैं पीने की जो चीजें आती हैं उसमें फर्टिलाइजर का एक बड़ा रोल है, ठीक है, वो आता है। और इस तरह की बहुत सी और चीजें जो कि हम देखते हैं कि हमारे पास आता है, एग्रीकल्चर है। इस तरीके से पेंट इंडस्ट्री है जो कि हम देखते हैं कि जिसको जिसके तहत इस नॉलेज के तहत हम पेंट डेवलप करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत सी और चीजें, ठीक हो गया। तो इंडस्ट्रीज को हम कवर करते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम लार्ज स्केल पर बनाएंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करेंगे, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। तो होपफुली आपने ये डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशन देख ली है। अब अपना जो आज के ही लेक्चर का नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसको हम फुलफिल करते हैं। तो जी स्टूडेंट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हमने बात करनी है। सो व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, जहां तक बात है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। उसके ही डेफिनेशन के ही कुछ पॉइंट होंगे जिसको हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ समझ आ जाएगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उसमें जो है हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, और आपके लिए भी जो है कुछ यूनिक चीजें होंगी, कुछ यूनिक बातें होंगी। तो चलते हैं। तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with
स्टडी स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेस प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं भाई? एक तो रेडियो एक्टिविटी को, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं और प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियस की, और उसके बिहेवियर की बात हम करेंगे तो उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेडियो एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या होता है? देखें, हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसकी हमने डिस्कशन भी आगे करनी है। ठीक है, और 118 एलिमेंट्स में से बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे पास, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनमें से हर वक्त कोई ना कोई टाइप ऑफ रेडिएशन निकलती रहती है। और नॉर्मली रेडिएशन जो होती है वो अल्फा बीटा गामा होती है, या और भी बहुत रेडिएशन हो सकती है। सो एक ऐसा रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या होगा, किसी एक कंपाउंड से कुछ रेडिएशन जो है वो इमिट होंगी, निकलेंगी, रिमूव होंगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, किसी एक एलिमेंट या किसी एक कंपाउंड से स्पॉन्टेनियसली हर वक्त जब डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन इमिट होंगी, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो सब्सटेंस की जो ये करवाता है, हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। वो क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव कहते हैं वो सब्सटेंस, यानी वो एलिमेंट जो है, वो कंपाउंड जो है, रेडियो एक्टिव कहते हैं। इसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की सिंपल एक डेफिनेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, अब जहां तक बात है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो मैंने साहब से कहा कि डिफरेंट रेडिएशन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एमिट करते हैं अंदर से। ठीक है, वो रेडिएशन जब एक्सपोज होंगी किसी प्लांट के ऊपर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या हम पे, तो उसका इंपैक्ट हमारे पर क्या होगा, इसकी स्टडी को हम जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और इवन न्यूक्लियर केमिस्ट्री के स्कोप की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो हम डायरेक्टली प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इन इवन मेडिसिन। ठीक है, यानी कि एज अ क्योर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो थेरेपी एक टर्म हमारे पास आती है, रेडियो थेरेपी। ये क्या होता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जो कैंसरस मटीरियल होते हैं उसके ऊपर हम जो है हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन जो है वो फॉल करते हैं, वो सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, और जो है हमारा जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रेडियो थेरेपी हमारे पास है जिसमें कि हम देखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम रेडियो थेरेपी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक और चीज है, रेडियो थेरेपी की बात करें, रेडियो थेरेपी के अलावा भी एक और चीज है कि हम जो है इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वी कैन प्रिजर्व फूड। ठीक है, हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, और इवन के हम इससे, यानी कि इस नॉलेज से इस्तेमाल करते हुए इसे हम जो है क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो पावर जनरेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नॉलेज। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम पावर जनरेशन कर सकते हैं, न्यूक्लियर की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो होपफुली आपने ये तमाम के तमाम पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए आपको समझ आ चुके होंगे, और जो भी जो है जो पॉइंट्स थे वो आपने डिस्कस किए, उसमें आपने जो है जो भी प्रॉब्लम थी वो आपने डिस्कस करनी है, आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, चलो आपको लगा होती है नेक्स्ट सेक्शन में।